We are going to head towards airport in another 5 minutes. And what about your friends? Are you going to miss them? I hope you guys are doing good, having good time. So आज का दिन स्पेशल है हमारे लिए. We are leaving this apartment. कहाँ जा रहे हैं हम? हम जा रहे हैं दूसरे स्टेट में. सपना से बात करते quickly. जानते how she is feeling. बहुत सारे mixed emotions हैं. जब यहाँ पे आए थे तो ऐसा लगा कि बहुत लंबा टाइम यहाँ पे शायद निकाल सकते हैं. मुझे ये जगह बहुत अच्छी लगी. सनीवेल वेदर वाइज अच्छे हैं और हमारे कम्युनिटी के लोग हैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे, तो बहुत होमली फीलिंग आता है. व्हेनेवर आई मीट पीपल हियर आई जस्ट हैव फॉर्म अ बॉन्ड. सो आई थिंक इट्स क्वाइट नेचुरल. किसी ने भी अगर रिलोकेट किया है तो वो लोग मेरा फीलिंग समझ सकते हैं. एंड यहाँ के लोग बहुत अच्छे थे और उम्मीद करती हूँ कि ऐसे ही अच्छे लोग मुझे वहाँ पे मिलेंगे. घर बहुत क्लीन किया है, मूव आउट है, वी नीड टू क्लीन आउट दिस हाउस. सपना ने बहुत एफर्ट लिए है लास्ट 3 वीक्स, शी हैज बीन स्लॉगिंग. मैं आपको घर का एक क्विक व्यू दिखा दूंगा कितना क्लीन किया हुआ है. और दोस्तों पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट पे. 12 बजे है रात के, बहुत सारा लगेज है, फ्रंटियर एयरलाइंस है, बोर्डिंग टिकट लेंगे और बात करेंगे. अच्छा एयरपोर्ट है, भीड़ बहुत है. आई वाजंट एक्सपेक्टिंग कि इतना ज़्यादा भीड़ हो यहाँ पे. वीकेंड्स को लग रहा था कि इतना ज़्यादा भीड़ नहीं होगा, बट है, बहुत ज़्यादा भीड़ है. सो दोस्तों चेक इन हो चुका है, अभी बोर्डिंग गेट की तरफ जा रहे हैं. हमारा बोर्डिंग गेट नंबर है 22, यहाँ से दिख रहा है अभी. आप भी देख लीजिए अंदर से सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट कैसे है. तो मैं बता रहा था डोमेस्टिक फ्लाइट्स यहाँ पे बहुत ही भरे होते हैं और चेक इन के लिए भी ये लोग अलग से पैसे लेते हैं. $50 पर बैग का अगर कैरी ओवर कर रहे हो या चेक इन कर रहे हो तो देना पड़ता है. सो इट्स अ लिटिल एक्सपेंसिव ट्रैवलिंग डोमेस्टिकली. So we are back. हम लोग ओवरनाइट फ्लाइट से अभी पहुंचे हैं हार्टफोर्ड में. इट्स मॉर्निंग हियर. 8 घंटे की जर्नी थी. फर्स्ट फ्लाइट वॉज 2.5 आवर्स एंड सेकेंड फ्लाइट वॉज 3 आवर्स 45 मिनट्स. So I told you guys where we reached. So this date is Connecticut और अभी हम लोग बैगेज क्लेमिंग सेक्शन के तरफ जा रहे हैं. गाइज ये कार रेंट की है मैंने 4 दिन के लिए. निसान की पाथफाइंडर है, बहुत एलिगेंट कार है, बहुत बड़ी है, 7 सीटर है, बहुत सारा लगेज कैपेसिटी है. जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि कार रेंटल यहाँ पे बहुत चीप है. आई गॉट दिस कार अराउंड $45 पर डे. तो बहुत ही अच्छा ड्राइविंग एक्सपीरियंस हो सकता है अगर आपको नई कार ट्राई करनी है तो. अंदर से आपको दिखा दूँ ये कार को, इसका डैशबोर्ड भी बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट है, हीटेड लेदर सीट भी है इसमें, इसमें बिल्ट इन GPS भी आपको मिलेगा, कंप्लीट मैप नेविगेशन सिस्टम है. $45 में आप जितना लग्जरी एंजॉय कर सकते हो उतना यहाँ पे करना पॉसिबल है. सो एंजॉय करूँगा, अभी जाऊँगा होटल की तरफ और आपको होटल में भी दिखाऊँगा. सपना खरीदा है क्या तुमने ये होटल? हाँ, फर्स्ट.
सपना हमें दिखा रही है। हे गाइस, अभी होटल में चेक इन कर चुके हैं। दोपहर के 3 बजे है। सिंपल होटल है, हॉलीडे इन का है, बट वी लाइक द फैसिलिटीज। द ब्रेकफास्ट यहाँ का अच्छा रहता है एंड वी ट्राइड दिस अर्लियर एंड वी फेल्ड दैट नॉट टू एक्सपेरिमेंट बिकॉज वी आर कमिंग फ्रॉम सो फार, सो वी वॉन्टेड टू मेक श्योर दैट वी गेट समथिंग रिलायबल। सो हियर वी आर, आई विल क्विकली गिव यू अ स्नैप ऑफ दिस रूम, हाउ इट लुक्स, एंड देन we are going to rest for the rest of the day today and going to start looking for the apartment search from tomorrow. So stay tuned. Hey guys, इस वीडियो का सेकंड पार्ट मैं बाद में डालने वाला हूँ, जिसमें आपको दिखाऊंगा कि अपार्टमेंट सर्च कितना डिफ़िकल्ट है यहाँ पे। हर एक अपार्टमेंट्स में जाके देखेंगे घर कैसे होते हैं और शॉर्टलिस्टिंग करेंगे और फाइनल घर में जाएंगे। सो आप प्लीज़ पार्ट टू भी देखिए इस वीडियो का। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ बताइए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड गाइज।